नमस्कार। स्वर्गीय अटल जी की स्मृति में आज अर्थात 24 दिसंबर से मध्य प्रदेश में सुशासन सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा अटल जी की सर्वजन स्वीकार्यता का। वस्तुतः वे जननायक थे, उनके व्यक्तित्व को किसी दल की सीमा से नहीं बांधा जा सकता। हमारे यहां कहा गया है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, अर्थात या तो शिव का स्मरण करना है तो स्वयं शिव होकर करो, अथवा शिव की पूजा करने से शिव जैसे बन जाते हैं। दोनों अर्थों का आशय एक ही है। महापुरुषों के प्रति भी यदि सम्मान व्यक्त करना है तो हमें उन जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए, या उनके व्यक्तित्व व कृतित्व को स्मरण करने से उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए तो शुरुआत करते हैं उनके विद्यार्थी जीवन से। ग्वालियर का महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय अंग्रेजी हुकूमत के उस दौर में विक्टोरिया कॉलेज कहलाता था। उस जमाने में अंग्रेज ही प्राचार्य हुआ करते थे और छात्र संघ का अध्यक्ष भी कोई अंग्रेज विद्यार्थी ही होता था। भारतीयों के लिए छात्र संघ का सबसे बड़ा पद उपाध्यक्ष का था, जो अटल जी बने। अटल जी की काव्य प्रतिभा उस समय से ही सामने आने लगी थी। उन दिनों आगरा विश्वविद्यालय से ग्वालियर कॉलेज जुड़ा हुआ था। वहां ऋषिकेश चतुर्वेदी काव्य प्रतियोगिता होती थी, जिसमें लगातार 2 वर्षों तक विक्टोरिया कॉलेज जीतता रहा। जब तीसरा वर्ष आया तो प्राचार्य ने चुनौती दी कि इस साल भी विक्टोरिया कॉलेज को ही यह ट्रॉफी जीतनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में स्वर्गीय रामकुमार चतुर्वेदी चंचल जी और अटल जी जब विजयी घोषित हुए, तब मंच पर कॉलेज के प्राचार्य को देखकर हतप्रभ रह गए। प्राचार्य, वो भी अंग्रेज, अपने विद्यार्थियों को ट्रॉफी दिलाने खुद पहुंचे, और इतना ही नहीं तो विजयी छात्रों को अपने साथ लेकर कार द्वारा आगरा से ग्वालियर आए। आप स्क्रीन पर उस दौर के उस चित्र को देख रहे हैं। काव्य प्रतिभा ही नहीं बल्कि उनकी भाषण कला भी उस समय से ही प्रकट होने लगी थी। एक बार अटल जी अंतर विश्वविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर के प्रतिनिधि बनकर प्रयाग पहुंचे। वहां विलंब होने के कारण प्रतियोगिता उस समय तक समाप्त हो चुकी थी तथा निर्णय सुनाए जाने वाले थे। यात्रा की थकान होने के बावजूद इनकी टीम ने आग्रह किया कि हम में से कम एक को तो बोलने का अवसर दिया जाए। अनुमति मिल भी गई। अटल जी का धारा प्रवाह उद्बोधन सुनने के बाद सारे निर्णायकों के निर्णय बदल गए। अटल जी को ही प्रथम पुरस्कार मिला। अटल जी ने कानपुर के डीएवी कॉलेज से स्नातकोत्तर किया। वे अपने समय के लोकप्रिय छात्र नेता बने। 1948 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री बालकृष्ण शर्मा त्रिपाठी नवीन को कानपुर में एक विशाल सभा को संबोधित करना था। जैसा कि प्रचलन में है, मुख्य वक्ता के पूर्व कोई युवा भाषण देता है। अटल जी का भी भाषण हुआ। अटल जी का भाषण इतना प्रभावशाली और जबरदस्त था कि नवीन जी ने निर्णय लिया कि वे भाषण नहीं देंगे। उन्होंने केवल इतना कहा कि इस युवक के भाषण के बाद मेरे कहने को कुछ शेष बचा ही नहीं है, मैंने ऐसा भाषण पहले कभी नहीं सुना। एमए करने के बाद अटल जी संघ के प्रचारक बन गए। उन्हें लखनऊ के नजदीक पंडोला भेजा गया। संघ कार्य के साथ साथ उनका कविता लेखन भी चलता रहा। 1948 में संघ की विचारधारा लोगों तक पहुंचाने के लिए मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म प्रारंभ हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसके मार्गदर्शक व अटल जी संपादक नियुक्त हुए। 1953 में विजयालक्ष्मी पंडित को जब सोवियत संघ की राजदूत बनाकर भेज दिया गया, तब खाली हुई उनकी लोकसभा सीट पर
लखनऊ से, लखनऊ में मध्यावधि चुनाव हुआ, अटल जी को जनसंघ उम्मीदवार बनाया गया। यहां से ही अटल जी का राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। उन्होंने 150 से अधिक सभाओं को संबोधित किया तथा ख्याति अर्जित की। यद्यपि विजय कांग्रेस प्रत्याशी की हुई, किंतु अटल जी दूसरे नंबर पर रहे, जो कि जनसंघ के प्रारंभिक दौर में एक बहुत बड़ी बात थी। 1957 के संसदीय चुनावों में जनसंघ ने अटल जी को एक बार फिर 3 स्थानों से चुनाव लड़ाया, मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर। अपनी आत्मकथा में उन्होंने बड़े रोचक अंदाज में उस समय का वर्णन इस प्रकार से किया है कि लखनऊ में मैं चुनाव हार गया, मथुरा में मेरी जमानत जब्त हुई, किंतु बलरामपुर से मैं भारी बहुमत से विजयी हो गया। दरअसल अटल जी को 3 स्थानों से लड़ाने की योजना दीनदयाल जी की थी। दीनदयाल जी की हार्दिक इच्छा थी कि अटल जी संसद में अवश्य पहुंचे। उनका स्पष्ट तौर पर मानना था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के बाद जो शून्य उत्पन्न हुआ है उसे अटल जी ही भर सकते हैं। इसके बाद की भारतीय राजनीति में अटल जी के योगदान को देखकर कोई भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दूरदर्शिता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। संसद में उन्होंने नेहरू जी की नीतियों पर करारा प्रहार किया, मुखर विरोध किया, पर नेहरू जी भी उनसे प्रभावित ही रहे, उनकी सराहना ही करते रहे। अपने विरोधियों के प्रति भी अटल जी का व्यवहार सदैव अत्यंत गरिमापूर्ण रहा। चाहे नेहरू जी के देहावसान के बाद जो उनका उद्बोधन है वह अवसर हो, अथवा 1971 में बांग्लादेश विजय के पश्चात की गई इंदिरा जी की प्रशंसा, उनके विशाल हृदय के ही दर्शन होते हैं। अटल जी से संबंधित एक घटना हालांकि अपुष्ट कही जाती है, किंतु परिस्थितियां बताती हैं कि वह सही भी हो सकती है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से कहा कि हम हार के कगार पर पहुंच चुके हैं और हमारे पास भारत पर परमाणु बम गिराने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। आपके अटल जी से जो संबंध हैं, आप उन तक यह संदेश पहुंचाइए और समझा दीजिए कि भारत युद्ध से पीछे हट जाए, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहे। क्लिंटन ने आधी रात को अटल जी तक यह जानकारी पहुंचाई तो अटल जी का दो टूक जवाब था, मैं 50 करोड़ भारतीयों और आधे हिंदुस्तान को खत्म मान लेता हूं, लेकिन ध्यान रहे पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा सुबह तक। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। अटल जी का जो संदेश था वह नवाज शरीफ तक पहुंचा और पाकिस्तान ने बिना शर्त अपने कदम वापस खींचने में ही अपनी भलाई समझी। अटल जी के विषय में यही कहा जा सकता है, जिसने सीखा नहीं विखंडन, केवल जोड़ बढ़ाई शक्ति, गांवों को सड़कों से जोड़ा, नदी जोड़ने की थी वृत्ति, संघ शक्ति के प्रबल पुरोधा, सबके मन में है अनुरक्ति, अटल सत्य थे नेता जग के, मूर्तिमंत थे भारत भक्ति। जननायक अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। उनके पावन जन्मदिवस पर उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस क्रांति दूत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। नमस्कार।